को लेकर अगर हम चुम्मा चुम्मा देदा करते तो शायद वो गलत था। तो जो गाना गा रहा है, जो चुम्मा चुम्मा देदा कर रहा है, ओ मेरी कुटी अपने होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा, ये गाना इस समय पूरे इंडिया में आग की तरह फैल चुका है और 20 घंटे में 20 मिलियन का रिकॉर्ड पावर स्टार पवन सिंह ने शायद यूट्यूब को भी हैंग कर दिया है। और इसी को लेकर शायद अब दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्मों के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। जैसे ही सुना आप सभी ने, फाइनली खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के इस गाने को लेकर ये साफ कर दिया है कि भले ही पवन सिंह ने बॉलीवुड में गाना गाया, लेकिन शायद उससे भोजपुरी का नहीं बल्कि पवन सिंह का कद ऊंचा होगा। ये बयान खेसारी लाल यादव का था पवन सिंह के लिए। हालांकि इससे पहले भी खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के आई नहीं गाने पर बयान दिया था जब पवन सिंह ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस दौरान भी खेसारी लाल यादव का कहना था कि पवन सिंह को बॉलीवुड में जाके काम नहीं बल्कि बॉलीवुड को भोजपुरी में लाना चाहिए, इससे ही भोजपुरी बड़ी हो सकती है। हालांकि खेसारी लाल यादव के इस बयान के बाद शायद भोजपुरी में हलचल और तेज हो चुकी है। एक तरफ पवन सिंह के लाखों समर्थक जो खेसारी लाल यादव के इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, तो एक खेसारी लाल यादव के भी समर्थक जो इस बात को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि इन सभी बातों को अगर साइड कर दिया जाए तो सीधे तौर पे पवन सिंह बॉलीवुड में अब अपना सिक्का जमा चुके हैं और शायद अब पवन सिंह इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। अभी बैक टू बैक और भी धमाके आप सभी को पवन सिंह के बॉलीवुड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए पवन सिंह ने कैसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसको जानकर आप सभी को हैरानी होगी। जब सभी को बता दे किसी भी भोजपुरी सिंगर ने इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया है कि किसी भोजपुरी सिंगर का गाना हर घंटे 1 मिलियन हो। मैं दोस्तों आप सभी के हिसाब से खेसारी लाल यादव की बातों में कितना दम है, कितने हद तक उनका कहना सही है, आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में।